हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको जीएससी के में इंटरेस्ट है तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप मेरे वीडियो के पीडीएफ और हमारे लिंक सबसे पहले पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जनरल है और ये बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स है। मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो कौन कौन से आर्टिकल्स में प्रेजेंट हैं और उनका क्या क्या उनके बारे में हम जानकारी जान सकते हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेगी। ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। ये आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हम लोग ने जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, उनकी आप एक फोटो देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि हेड थे इस असेंबली के, और इसमें 8 लोग यानी 8 पीपल इसमें पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनाया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा और सबसे मेन हम लोग कह सकते हैं, जो हम लोग एज अ सिटीजन हम लोग को आर्टिकल 14 से लेके, या आप कह सकते हैं 12 से लेके आगे तक हम लोग को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एज अ सिटीजन कंट्री में रहने के। इसमें कई राइट्स आते हैं, लेकिन मेजरली इन्हें 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि उसके अंडर आएगा, या राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सब राइट्स के बारे में हम आगे वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हर एक राइट का आपको बताऊंगा कौन सा आर्टिकल है और वो आर्टिकल किस राइट से रिलेट करता है और वो आपको कैसे मदद कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स हर एक कंट्री के एक सिटीजन को कुछ राइट्स दिए जाते हैं जो वो प्रैक्टिस कर सकता है, ताकि उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा के तर्ज पर। आपको पता ही होगा इंडिया एक गुलाम कंट्री, आप कह सकते हैं किसी और कंट्री के अंडर था, तो जो इंडियन सिटीजन थे उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए, और आगे ये अत्याचार ना हो इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन को दिए गए हैं, किसी भी भेदभाव के आधार पर नहीं है। ये सब जरूरी क्यों था मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी हमेशा से कंट्री रही है जहाँ पे भेदभाव हमेशा से या तो कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे रहा है। इसी को खत्म करने या कुछ हद तक कम करने के लिए भी, और जनता को बराबर का अधिकार मिले, इस वजह से ये राइट्स लाए गए थे। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये इसलिए कहे जाते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इन राइट्स को बैक करता है, और आप किसी भी चीज में इसमें कोताही, आप कह सकते हैं इसमें कमी नहीं हो सकती। अगर ये वायलेट होता है तो आप सीधे कोर्ट के पास जा सकते हैं। इस बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा आप लोगों से। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है और इसे क्यों हटाया गया? ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसे हटा दिया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से। ये क्यों हटाया गया था? इसका भी एक मेजर कारण ये बताया जाता है कि ये परेशानी या विघ्न ला रहा था सोशल और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने में। इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जिसके पास एक प्रॉपर्टी है शुरू से, और उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और वो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ही मिलती जा रही है, जिसकी वजह से वो तो अमीर बना हुआ है, लेकिन उसके आसपास के लोग गरीबी रेखा के भी नीचे हैं। इसको बराबर करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया गया था। ये बहुत ही जरूरी माना गया था उस वक्त पे, क्योंकि भारत की जो हालत थी या स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी इस मामले को लेकर, इसी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था। या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी, इसमें आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी है क्या? इसमें कहा गया है कि हर एक सिटीजन को, पर्सन को बराबर के राइट या अधिकार दिए जाएंगे। इनमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट हर एक को बराबर मिले, उस वजह से इस पे रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, इन सब के ऊपर भेदभाव ना सहना पड़े, इस वजह से भी राइट टू इक्वालिटी बहुत ही मेजर आर्टिकल, या आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट माना जाता है। इसमें कई प्रकार के राइट्स ऐसे भी हैं
जो टाइटल्स और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करते हैं, जिससे किसी भी तरह की भेदभाव की भावना आपस में लोगों के बीच ना है। अब मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं। तो इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है, इसमें आर्टिकल 15 है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। इसमें आर्टिकल 17 और 18 भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सब राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फंडामेंटल राइट की तरफ। इस फंडामेंटल राइट को हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। इसमें जो आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल या राइट बताता है, जिसे हम हिंदी में अभिव्यक्ति की आजादी भी कहते हैं। ये आज तक का हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट राइट माना गया है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। इसमें स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे करके 22 तक आर्टिकल है इसमें। इसमें जो मेजर हम लोग का राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये सब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें हम लोग किसी भी बिना डरे या बिना किसी के भी अंदाजे के हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, हम लोग को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है, हम लोग बिना किसी शस्त्र के आसपास असेंबल हो सकते हैं, हम लोग एक साथ कोई भी काम कर सकते हैं और किसी भी कंट्री या अपनी कंट्री के किसी भी पार्ट में बहुत आसानी से रह सकते हैं। ये सब राइट हम लोग को राइट टू फ्रीडम के अंडर दिए गए हैं ये सब राइट। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन भी जुड़ी हुई है कि अगर कोई स्टेट सिक्योरिटी या पब्लिक मोरालिटी का मामला हो तो फिर ये राइट्स खत्म भी किए जा सकते हैं। ये राइट्स हम लोग को और फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन को देख कर भी दिए जा सकते हैं या नहीं भी दिए जा सकते। चलिए अगले राइट की तरफ बढ़ते हैं। अगला राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आर्टिकल 23 और 24 इसमें हम लोग को बताता है कि इसमें यदि कोई फोर्स लेबर कर रहा है या कोई भीख मांग रहा है या ह्यूमन बींग्स इसमें ट्रैफिक हो रहे हैं तो ये राइट उनके अगेंस्ट काम करता है, उन्हें अपने जो अधिकार हैं उनका मूलभूत आभास कराता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हैजार्डस कंडीशन या ऐसे भी कोई भी लेबर करने के लिए ये आर्टिकल मना करता है। और इसी के तहत इसमें कोई भी बच्चा फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता है। ये दो आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। चलिए अगले राइट की तरफ बढ़ते हैं। ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इसमें अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और उन सभी लोगों को अपना धर्म निरपेक्षता के आधार पर अपने मन से पूरा करने का पूरा अधिकार दिया गया है इस राइट के अंदर। इसमें आर्टिकल 23 से लेकर माफी चाहूंगा 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। ये आर्टिकल हम लोग को बताता है कि हम लोग का जो देश है वो सेकुलर नेचर है, यहाँ पे हम लोग के देश का कोई भी धर्म नहीं है और यहाँ पे जो रिलीजन है वो सब अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो मेजर आर्टिकल्स हैं वो 25 है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करने का आर्टिकल है, राइट है। 26 आर्टिकल में अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम है। 27 में आपको फ्रीडम है अपने टैक्सेस को पे करने का और अपने रिलीजन को थोड़ा प्रमोट करने का। और 28 आर्टिकल है उसमें ये दिया गया है कि आपको अटेंडेंस इन रिलीजियस सेरेमनीज में आपको इजाजत है कि आप अपने छोटे मोटे रिलीजियस गैदरिंग्स कर सकें और उसमें अटेंडेंस लगा सकें बिना किसी विधान के। ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले राइट की तरफ। ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 से लेके 30 तक हैं। इन राइट में आपको बता दूं कि इसमें जो प्रोटेक्शन है वो हमें रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या आप कह सकते हैं जो भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको फैसिलिटेट करता है और उनके हेरिटेज और कल्चर को बचाए रखने में भी मदद करता है। इस आर्टिकल में माइनॉरिटीज पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा माइनॉरिटीज हमारे देश में कई प्रकार के हैं, उसमें भी उनको जो आर्टिकल्स के तहत राइट्स दिए गए हैं वो इस राइट में है। अगला जो राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 से 35 तक हम लोग को बताया गया है। इस राइट में हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि जो
हम लोग को पावर मिली है, पार्लियामेंट ने दी है हम एज अ सिटीजन को, वो क्या क्या है और हम लोग अपने जो अधिकार हैं वो कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हम लोग को इस सेक्शन यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में मिलती है। जो आर्टिकल है उसमें आर्टिकल 32 हम लोग को बताता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। 33 बताता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स, इसमें पार्लियामेंट के क्या राइट्स है मॉडिफाई करने के पावर। फिर 34 हम लोग को बताता है जो राइट्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है और मार्शल लॉ कब और कैसे लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ बहुत लोग पूछेंगे क्या होगा, तो मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें एक सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री में आर्मी रूल लगाया जाता है जिससे उस पार्ट की अच्छे से देखभाल हो सके, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। जो आर्टिकल 35 है वो लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, इसको कहते हैं। ये हम लोग का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो लीगल राइट से कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ब्रीच नहीं किए जा सकते आप कह सकते हैं। अगर लीगल राइट्स ब्रीच होंगे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो गए हैं तो आप पूरी साइकिल ना फॉलो करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी जा सकते हैं। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, जो हम लोग का लेजिस्लेटिव या कह सकते हैं जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे नीचे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होते हैं। उसमें अगर आपको किसी भी जो फॉलो करना है उसमें सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जाते हैं, फिर हाई कोर्ट्स, और तब भी अगर आपको जस्टिस ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये लीगल केसेस में होता है। अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुए हैं तो आप ये पाथ फॉलो करना करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपकी बातें सुनेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये करना नहीं चाहिए अगर बहुत ही ज्यादा ग्रेव आपके राइट्स इसमें हनन ना किए गए। सारे फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन के लिए हैं, लेकिन कुछ के लिए नहीं भी है। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो खाली इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं, बाकी के राइट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। ये सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन प्रिवेल करती है हमारे कंट्री में जिसकी वजह से कोई दिक्कत या स्टेट सिक्योरिटी पे कोई बात आती है या पब्लिक मोरालिटी पे या पब्लिक और स्टेट के बीच फ्रेंडली रिलेशन ना हो जिसकी वजह से हम लोग को किसी प्रकार की इमरजेंसी का सामना करना पड़े, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स सरकार या आप कह सकते हैं स्टेट अपने हिसाब से खत्म भी कर सकती है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जब भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी तो ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं की तरफ। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं कोर्ट्स के द्वारा भी। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे भी फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन का केस सुन सकता है, उसी के साथ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये तभी तक जायज माना जाएगा जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का उसे भंग ना करता हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता ही होगा, हम लोग सेकुलर कंट्री हैं, ये आपको प्रीएम्बल में आपने अक्सर पढ़ा ही होगा, मुझे ये उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज जाके इसे पढ़िए और समझिए। अब फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड हो सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स हम सस्पेंड हो सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन इसमें भी आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अब आप पूछेंगे आर्टिकल 21 और 22 क्या है, तो आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके तहत आपकी लाइफ प्रोटेक्शन को और पर्सनल लिबर्टी को किसी भी तरह के टाइम में खत्म नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 22 है इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये आर्टिकल भी इसमें दूसरा है। इसके पहले जो आर्टिकल 20 है उसमें ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये दो आर्टिकल हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं इमरजेंसी के दौरान भी। ऐसा क्या आपको पता होगा, इन सब का गलत फायदा उठाकर इमरजेंसी में काफी लोगों को अरेस्ट किया गया था जिसमें और पार्टीज के नेता भी थे। इसी को देखते हुए ये दोनों आर्टिकल कभी भी सस्पेंड ना करने की बात आगे से दोहराई गई थी।
अब फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन हर जगह पे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये मार्शल लॉ और मिलिट्री रूल में अप्लाई नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स कौन से सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और किसको नहीं है। अगर आपको पता होगा मैंने आर्टिकल 15 में आपको बताया कि कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर फंडामेंटल राइट्स में माना नहीं गया है। इसके साथ ही इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, वो भी सबको मिलनी चाहिए। उसके साथ प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, आर्टिकल 19, ये सारे जो जितने आर्टिकल हैं वो खाली सिटीजन्स को मिले हुए हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो आर्टिकल 29 में मैंने आपको बताया, और आर्टिकल 30 में राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का और उनके रख रखाव करने का पूरा छूट मिला हुआ है। अब जान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। आप सबको लगता होगा कि ये हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर है, तो हम लोग को फंडामेंटल राइट्स की क्या जरूरत है। फंडामेंटल राइट्स अक्सर कहा जाता है एक कंट्री के बैकबोन होते हैं, ताकि वहाँ के जो सिटीजन है या पब्लिक है उसके जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड किया जा सके। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो आप लोग अपने मन का या अपने मन का जो भी करना चाहेंगे वो ना करने के लिए सरकार आपको प्रयास कर सकती है, जिससे कि आपको लगेगा कि ये मुझे करना है या कर सकता हूँ लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्टिकल 13 में अगर कोई भी लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसे वॉइड माना जाएगा, यानी उस लॉ को लॉ नहीं कहा जाएगा। इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी रास्ता साफ हो जाता है। जुडिशियल रिव्यू माने आप इस लॉ को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, और उसमें जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम लागू हो जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी ठहरा सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है, और ये कोई स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट ना होके सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई भी अगर लॉ वायलेशन करता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। आर्टिकल 13 इसी के बारे में बात करता है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि ये कोई लॉ ही हो, अगर कोई ऑर्डिनेंस, कोई रेगुलेशन या कोई छोटा सा छोटा नोटिफिकेशन भी आता है जो कि लगता है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो आप इसे चैलेंज करके इसे वॉइड करवा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट, इसी में अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट है उसको आप अमेंड करना चाहते हैं या आप कैसे करेंगे ये तो क्या ही है कि जो गवर्नमेंट है वो एक फंडामेंटल राइट कैसे अमेंड हो सकता है, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है। जो अमेंडमेंट बिल है वो स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पास होना चाहिए पार्लियामेंट के, और इसमें स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है ये मैं आपको बता दूं कि जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट हों और वोटिंग करना के लिए वहाँ पे मौजूद हों, और 50% जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की वो उस वोटिंग को सपोर्ट करे, तो इसे हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। इसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 13(2) के तहत जो स्टेट्स हैं वो कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को उनके टेक अवे कर सके, ये स्टेट्स को कोई पावर नहीं दी गई। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ये है जनरल अफेयर्स।